खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में आसिम रियाज और अभिषेक कुमार के झगड़ों की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। अब एपिसोड में ये घटना दिखाई गई और सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। आसिम एक टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते और गुस्से में मेकर्स को चैलेंज करते हैं कि वो ये टास्क करके दिखाएं। आसिम यहां तक बोलते हैं कि अगर मेकर्स ने ये टास्क करके दिखा दिया तो वो चैनल से एक भी पैसा नहीं लेंगे। इसी बात पर गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि रोहित गुस्से में आसिम को बोले कि उन्हें वहां सर निकाल देंगे और उठाकर पटक देंगे। एपिसोड में दिखाया जाता है कि आसिम रियाज, आशीष मेहरोत्रा और नियति को एक टास्क दिया जाता है। आशीष और नियति ये टास्क पूरा कर लेते हैं। आसिम की बारी आती है तो वो एरियल टास्क में डगमगाते हैं और वहां से चिल्लाते हैं कि मैं फिसल रहा हूँ। वो फ्लैग नहीं निकाल पाते और टाइम पूरा हो जाता है, जिसके बाद रोहित शेट्टी उन्हें कूदने के लिए बोलते हैं। नीचे आकर आसिम भड़क जाते हैं और मेकर्स को चैलेंज करते हैं कि वो ये टास्क पूरा नहीं कर सकते। बोलना है कि मेरे सामने ये टास्क करके दिखाओ, अगर एक भी पैसा नहीं लूंगा अगर एक भी टास्क तुमने करके दिखा दिया। आसिम बोलते हैं कि कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि एक भी पैसा नहीं लूंगा, लेकिन क्या ये सच में कर पाएंगे? जब रोहित पूछते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है तो आसिम जवाब देते हैं कि बैलेंस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसके बाद रोहित वीडियो दिखाते हैं कि उनको टास्क असाइन करने से पहले इसका टेस्ट ज़रूर किया जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि कंटेस्टेंट सुरक्षित रहें और टास्क पूरा करने लायक हो, इसके लिए उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। इस पर आसिफ सफाई देते हैं कि मैंने प्रूफ मांगा है सर, मैंने कोशिश की और ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ, यहाँ स्टंट्स करने आया हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूँगा, मैं यहाँ किसी को हराने नहीं आया। मैं अपने इंटरव्यू में भी यही बता चुका हूँ कि इतनी सफाई से मैं सारी चीज़ें करता हूँ। आसिम को इतनी सफाई देते हुए सुन रोहित भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं, आसिम तेरी प्रॉब्लम क्या है? आसिम बोलते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं बहुत सॉर्टेड हूँ। रोहित बोलते हैं, कल भी तूने बहुत ज़्यादा बकवास की थी, इसके बाद मेरा सिर चकरा रहा था। इस पर फिर से आसिम सफाई देने लगते हैं और अपनी कोशिश को लगातार रखते हैं। रोहित गुस्से में बोलते हैं, सुन मेरी बात, सुन ले वरना मैं तुझे उठा के यहीं से फेंक दूंगा, ऐसे मेरे साथ बदतमीजी बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद आसिम और अभिषेक के बीच भी जोरदार झगड़ा हो जाता है। वायरल क्लिप में आसिम चिल्लाते दिख रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, मैं 6 महीने में 4 गाड़ियां बदल देता हूँ। आप लोगों को लगता है कि पैसे के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं अपने फैंस के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, लूजर्स के लिए मैं ये सब नहीं देखता। इस पर अभिषेक भड़क जाते हैं और शालीन भानोट अभिषेक को चुप कराती हैं। बाद में रोहित बोलते हैं कि वो 10 साल से ये शो होस्ट कर रहे हैं और पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। रोहित बोलते हैं कि आपके जूनियर जिन्हें आप बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और वो आपके साथ बदतमीजी पर उतर आए तो आप चुप ही हो सकते हैं। रोहित बोलते हैं कि किसी ने नहीं सोचा चाहिए कि ये शो उसकी वजह से चल रहा है। रोहित आसिम को शुभकामनाएं देते हैं और बोलते हैं कि वो अब शो में नहीं रह सकते। वायरल क्लिप पे देखकर लोग आसिम को घमंडी बता रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि सक्सेस उनके दिमाग पर चढ़ गई है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।